दोस्तों आपने मुर्गा लड़ाई देखी होगी, यानी कई जगह होता है ना, मेले में अगर हम कई बार जाते हैं तो वहाँ पे दो मुर्गों को ऐसे लड़ा देते हैं और जो मुर्गा जीत जाता है उसको लोग यानी पैसे देते हैं इकट्ठा करके कि भी आप ये पैसे ले लीजिए। वैसे ही क्या है कि हमारे देश में न्यूज चैनल है वो क्या करते हैं, मैं बात इसलिए कर रहा हूँ और गंभीर बात है, आप ज़रूर सोचना, पूरे वीडियो को आप देखना, आपकी इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं तो मत करना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा देश का मुद्दा है। देश का मुद्दा इसलिए है कि जो पिछले 3-4 दिनों में हमारे देश की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी बेइज्जती हुई, हमारे प्रधानमंत्री को अपमानित किया गया, किसके कारण? इन मीडिया चैनलों के कारण, इन न्यूज चैनलों के कारण। ये लोग क्या करते हैं, एक शाम को, हर शाम को आप कोई भी न्यूज चैनल ले लेना, इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। एक मौलाना को फ़ोन करेंगे, मौलाना साहब शाम को डिबेट में आना है आपको, मौलाना साहब हाँ करते हैं क्योंकि उसके पास और कोई काम नहीं है। एक यानी महाराज को फ़ोन करेंगे, कोई बाबा पकड़ लेंगे ये, और बाबा भी कैसे पकड़ते हैं ये, बाबा उन बाबाओं को पकड़ते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता और जो सबसे ज़्यादा क्या होता है, वो सिर्फ सांप्रदायिक बयान देने के लिए प्रसिद्ध होते हैं। इनको पता है कि ये ऐसा बोलेगा, 100% बोलेगा, क्योंकि इनको मुर्गा लड़ाई करानी, और मुर्गा लड़ाई में क्या है, मुर्गे दोनों होशियार होने चाहिए। अब वो मौलाना भी होशियार है जबकि उसको कोई नहीं जानता, दूसरे जो मुस्लिम है उसको जानते भी नहीं है, बहुत से मुस्लिम भाइयों को पता ही नहीं है कि ये मौलाना हमारा है या नहीं है। वैसे ही जैसे ये हमारे वाला बाबा, क्यों मैं हिंदू हूँ तो मैं बाबा की बात करूँगा, बाबाओं को जानता हूँ, क्यों मैंने तो इनको वोट दे के चुना नहीं है। अब पिछले दिनों एक कुतुब मीनार पे यानी वो हो रहा था कि हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, एक वो News 24 का जो एंकर था उसने कहा कि आप हनुमान चालीसा गा के सुना दीजिए, बाबा जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, हनुमान चालीसा खुद को ही नहीं आ रहा, गाए कहाँ से। अभी एक वो MP थी वो महाराष्ट्र के अंदर पकड़ी गई, हनुमान चालीसा पे खूब बवाल मचाया उसने, और जब खुद यानी वहाँ पे गाने के लिए बैठी तो पता ही नहीं चला कि साहब मेरे को तो आता ही नहीं हनुमान चालीसा। तो ये न्यूज़ चैनल क्या करते हैं, इन लोगों को वहाँ पे बुला लेते हैं, दो वो हो गए, एक बाबा हो गया एक मौलाना हो गया, दो इनको पकड़ लिया, फिर एक पार्टी का प्रवक्ता हो जाएगा, एक भाजपा का आ जाएगा, एक कांग्रेस का आ जाएगा, एक कोई और दूसरा हो जाएगा, एक ये एक और होता है, एक ये विश्लेषक रखते हैं उसके अंदर कि ये यानी राजनीतिक विश्लेषक है। अरे डिबेट आपको हिंदू मुस्लिम मुद्दे पे करवानी है, उसमें राजनीतिक विश्लेषक क्या करेगा, आप कौन सी अर्थव्यवस्था पे डिबेट कर रहे हो, कौन सा किस पे कर रहे हो। अब इनकी मुर्गा लड़ाई चालू हो जाती है खतरनाक तरीके से, खतरनाक तरीके से कैसे चालू होती है, मौलाना साहब कहेंगे कि नहीं यानी वहाँ पे वो था, वहाँ पे वो शिवलिंग नहीं था, वहाँ पे वो फलाना था, फिर वो जो बाबा जी होते हैं वो बाबा जी कहेंगे नहीं हमारे ये है, हमारे धर्म का था, हमारे वो था, और फिर अगर वो थोड़ा बहुत एक पक्ष अगर दबरा होता है ना तो वो बीच में जो इनका जो चैनल वालों का जो बैठा होता है ना मोहरा मुर्गा लड़ाई वाला, वो क्या है, वो उस चीज़ को चालू कर देता है उनको लड़ाने के लिए, उत्साहित यानी प्रेरित करने। अब वो न्यूज यानी जो एंकर जो होता है ना, वो अगर उसको लग रहा है कि भाई यहाँ मौलवी साहब थोड़ा कमज़ोर पड़ रहे हैं तो वो उसको थोड़ी सी हवा देगा, अरे आपने ये वो, यानी जोश भरने के लिए। अब वो यानी आपस में चैं 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 ऐसे करके वो चालू हो जाएंगे, उनको खुद को ही नहीं पता होगा कि हमने किस धर्म के खिलाफ क्या बोल दिया। और यही हुआ था जो आज यानी अरब देशों में हमारे प्रधानमंत्री को अपमानित किया गया, हमारे देश की इज्जत पर बट्टा लगा, वो किस लिए लगा था, इन्हीं न्यूज चैनलों की मुर्गा लड़ाई के कारण। अब आप मुझे एक बात बताएं, यानी मैं मुस्लिम धर्म के मेरे दोस्तों से भी पूछना चाहता हूं कि क्या आप उन यानी वो जो आपके मौलाना हैं आप उनको जानते हैं, क्या आपने उनको वोट दे करके चुना है कि ये जो लोग हैं हमारे TV पे बैठ के और हमारे धर्म की व्याख्या करेंगे, हमारे धर्म का पक्ष रखेंगे, नहीं चुना आपने। ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म वालों से भी मैं पूछता हूँ कि ये जो वहाँ बैठ करके यानी उससे क्या करवाते हैं, मौलाना हिंदू धर्म का अपमान करेगा और पंडित जी जो बाबा जी जो हैं वो मुस्लिम धर्म का अपमान करेंगे, तो किन लोगों ने इनको अधिकार दिया है कि वो हमारे यानी धर्म की व्याख्या करें वहाँ जाके। और इन न्यूज़ चैनलों को मैं सुप्रीम कोर्ट से, मैं यानी भारत सरकार से, प्रधानमंत्री जी से भी अपील करना चाहूँगा कि इन न्यूज़ चैनलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो धर्म के नाम पर,
जो मंदिर मस्जिद के नाम पे, जो अली और बजरंग बली के नाम पे हर शाम को अपनी धर्म की दुकान खोल करके बैठ जाते हैं, मैं चाहे वो एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया है, चाहे जो भी है, मैं इनसे यानी एक अपील करना चाहता हूँ कि इन लोगों पे तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और रोक लगनी चाहिए, और उन एंकरों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इनको भड़काने का काम करता है। जिसके पास में बैठकर आप न्यूज चैनलों की आप यानी कहानी सुनोगे ना, पाकिस्तान के लोगों को बुलाकर अपने चैनल पे बुला लेते हैं पाकिस्तान वालों को। वैसे तो हम पाकिस्तान को गाली देते हैं, लेकिन ये लोग अपने चैनलों पे बुला के वो भारत के खिलाफ चार बात बोलता है, और पक्का 100% बोलेगा जब मैं पाकिस्तान के खिलाफ बोलता हूँ, तो वाजिब है कि वो भी भारत के खिलाफ बोलेगा। अब वो भारत के खिलाफ यानी खुद के न्यूज चैनलों पे बुला के, अरे क्या ज़रूरत थी भाई तुझे पाकिस्तान वालों को बुलाने की? किसने कहा था कि पाकिस्तान के यानी उनको बुलाओ आप, और आप यहाँ पे बहस करो, वो भारत को गालियाँ देंगे। तो दोस्तों, सबसे खतरनाक ना भाजपा खतरनाक है, ना कांग्रेस खतरनाक है, ना हिंदू धर्म खतरनाक है, ना मुस्लिम धर्म खतरनाक। इस समय अगर इस देश में जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो है ये न्यूज चैनल। इन पे प्रतिबंध लगाने की बहुत सख्त आवश्यकता है पूरे देश को, और एक आवाज यानी सुर में आवाज़ उठानी चाहिए, मैं कह रहा हूँ पूरे देश को। तो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार।